स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल एडुटेक में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके RPF के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो आप सभी को पता होगा चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किंग्सले जी ने गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले हॉकी खेलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में? हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। मुगल बादशाह का सही क्रम है? उत्तर बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक सियार, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड मैकाल ने भारत में इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? उदय शंकर जी नृत्य से संबंधित हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक। खुजरो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय आधारित है 82° 30' पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन नाथुला दर्रा के पार है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का नाम विजयंत है। चीनी यात्री फाइयान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रख्यात सीन के कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश।
हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सा नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे यानी कि NH जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक शहर में काफ़ी ज़्यादा अंगूर होते हैं। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। हमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को दी गामा। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपियों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में। किसने किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फूले ने। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नेरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 12, 1930 को यह प्रारंभ हुआ था और अप्रैल 6, 1930 को यह खत्म हो गया था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी एक घंटे में घूम लेती है। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र।